था किड्स? हाँ सर। यहाँ पर लिखा है ग्रीडी गेटकीपर्स। ग्रीडी का मतलब पता है तुम्हें? ग्रीडी ग्रीडी का मतलब होता है लालची। गेटकीपर का मतलब होता है क्या? वॉचमैन। वेरी गुड। गेटकीपर मतलब वॉचमैन। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। अब देखो अकबर के दरबार में उसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? बीरबल। बीरबल क्या था? बहुत ही चतुर। वेरी गुड, बहुत ही चतुर था। डू यू नो हाउ ही बिकेम ए मिनिस्टर। अब वो बोल रहे हैं कि अब आपको इसकी ये कहानी सुना रहे हैं कि वो मंत्री कैसे बना। बीरबल वॉज देन ए यंग बॉय लिविंग इन ए विलेज। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। बीरबल क्या था? एक छोटा लड़का था, तब वो क्या करता था, एक गांव में रहता था, ठीक है, और वो क्या करता था, कविताएं लिखा किया करता था जब वो छोटा बच्चा था बीरबल। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन किंग्स कोर्ट, सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। अब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि जो मैं कविताएं लिखता हूं इसको मैं राजा के दरबार में पेश करूंगा और हो सकता है कि मुझे कुछ इनाम में मिल जाए, ठीक है। When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. जब वो क्या हुआ उस सिटी में पहुंचा जहां राजा रहता था, तो वहां पर जो गेटकीपर थे, जो वॉचमैन थे, उन्होंने उसको क्या कर दिया, रोक दिया और बोला कि तुम कहां जा रहे हो। गेटकीपर चिल्लाया, उसने बोला कि मैं एक कवि हूं और मैं राजा को क्या करना चाहता हूं, अपनी कविताएं सुनाना चाहता हूं। ओ यू आर ए पोएट। तो जो वॉचमैन थे उसने बोला कि अरे तुम एक कवि हो। तो किंग इज काइंड, और उन्होंने बोला कि जो राजा है वो बहुत ही दयालु हैं, लेकिन उसने बोला कि मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे जो तुमको इनाम में मिलने वाला है वहाँ पे, जब तुम पोएम सुनाओगे और राजा तुम्हें क्या होंगे, कोई इनाम में देंगे, तो तुम उसका 1/10 मुझे दे दोगे। समझ गए? लिखा ना 1/10 ऑफ योर प्राइस, मतलब जो तुम्हें इनाम में मिलेगा उसका तुम 1/10 हिस्सा, मतलब 10 में से एक हिस्सा, ठीक है। मतलब जैसे कि ये है, ये बॉक्स है, माना हम इसके 10 हिस्से कर ले, तो 10 में से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, बाकी 9 तुम्हारे और एक हिस्सा मेरा। तो उसने बोला कि अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बीरबल ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही टुकड़ा देना पड़ेगा, तो उसको जाने देते हैं। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। व्हेन ही वेंट इन द गेटकीपर कैलकुलेटेड इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइंस आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइंस। अब वो बोल रहे हैं कि अगर माना बीरबल को अंदर जाके 100 गोल्ड के कॉइंस मिल गए तो उसमें से कितने देने पड़ेंगे मुझे इससे? 10। वेरी गुड। 10 कितने? 10। 10 इसको देने पड़ेंगे तब भी उसके पास कितने बच जाएंगे? 90 बच ही जाएंगे। अब वो थोड़ा सा और अंदर गया, तब दूसरा वॉचमैन मिल गया। दूसरे वॉचमैन ने बोला कि मैं भी तुम्हें तब अंदर जाना दूंगा जब तुम्हें 2/5 दोगे, मतलब 2/5 दोगे, 2/5 हिस्सा अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं भी आपको अंदर जाने दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाने दूंगा। अब देखो जी, द गेटकीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड। फिर उस गेटकीपर ने भी यही कैलकुलेट किया कि अगर इसको 100 गोल्ड के कॉइंस मिल गए तो मुझे कितने मिलेंगे। अब देखो, माना 100 गोल्ड के कॉइंस उसे मिलते हैं, तो अब उसे 2/5 है ना, तो इसका मतलब इसके हमने कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 5। तो 5 में से मतलब एक एक में कितने मिलेंगे 100 में से? 100 के हिसाब से बांटो जरा इसमें, 20। तो उसको चाहिए 20, 20, 20, 20, 20। तो 2/5, 2 मतलब कितने कितने हो गए इसके हिसाब से? 40 गोल्ड कॉइन्स उसको मिल जाएंगे, उस वॉचमैन ने सोचा। चलो जी ये भी हो गया, उसने बोला ठीक है। फिर वो आगे गया, अब जो आगे जो गेटकीपर मिला उसने बोला मुझे तो आधा चाहिए, जितने तुम्हें मिलेंगे उसके आधे मुझे चाहिए, ठीक है। मतलब अगर उसे 100 मिलते हैं तो उसे कितने मिल जाएंगे? 50। और अगर उसे 1000 मिलते हैं तो उसे कितने मिल जाएंगे? 500। सिंपल है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। अब जैसे ही वो अंदर गया तो राजा के पास पहुंच गया, राजा को उसने अपनी पोएम सुनाना शुरू कर दिया। राजा बहुत ही खुश हुआ, उसने बोला कि वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। उसने बोला कि आप कुछ भी मांग सकते हो जो तुम्हें इनाम में चाहिए। माई लॉर्ड, उसने बोला राजा जी मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट 100 स्लैब्स। उसने बोला मुझे 100 थप्पड़ चाहिए इनाम में, ठीक है। What 100 स्लैब्स? राजा ने बोला, राजा चौंक गया कि भाई इसने आज, मैं तो इसको बोल रहा हूँ कि तुम कुछ प्राइज मांगो, ये बोल रहा है कि मुझे 100 थप्पड़ मार दो। द किंग वॉज शॉक्ड। जो राजा था वो क्या था, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। वट हैपन आफ्टर दैट, कम्प्लीट द स्टोरी, वट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट। अब वो बोल रहे हैं कि इसके हिसाब से अगर हम देखें, उसने कितने बोला, उसे 100 थप्पड़ मारने को बोला, तो 100 थप्पड़ मारने के हिसाब से अगर हम इनको वापस करेंगे, इनको भी तो वापस करना पड़ेगा ना। अब देखो 100 में से कितने मिले थे इसको? 50 इसको मिले थे, 40 इसको, 40 इसको मिले थे, 90, और पहले वाले को कितने मिले थे? 10। तो इसमें से 100 जितने थप्पड़ उसको मिले थे उतने थप्पड़ वापस चले गए, तो इसने क्या कमाया? 0। क्योंकि उसे पता था ना मिलना तो कुछ है नहीं, तो उसने बोला कि 100 थप्पड़ मांग लिए।
और इससे राजा क्या हो गया, बहुत ही खुश हो गया कि देखो इतना तेज दिमाग लगाया। उसके बाद जो बीरबल था उसको उन्होंने अपने यहाँ क्या बना लिया, मंत्री बना लिया। ठीक है, यस सर।